Good morning, students. I am Pradeep Singh Yadav, and in this lecture, we will discuss about basics of BASK, that is binary amplitude shift keying. ठीक है? तो start करते हैं आज का topic. जो हमारा BASK होता है, इसको हम लोग ASK भी कहते हैं. ठीक है? BASK को जो भी हमारा binary amplitude shift keying है, इसको हम लोग ASK amplitude shift keying भी कहते हैं. ठीक है? यहाँ पे key लिखा हुआ है, इसको हम लोग amplitude shift keying भी कहते हैं. King stands for switching. ठीक तो इसमें जो हमारा एम्पलीट्यूड है दो स्टेजेस में स्विच करता है दैट्स व्हाई इट इज नोन एज स्विचिंग. ठीक है तो जो भी हमारे डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक होगी वो सभी में हमारा एम्पलीट्यूड दो या चार में स्विच करेगा कंटिन्यूअस वो धीरे धीरे लीनियरली वेरी नहीं करेगा वो स्विच करेगा. ठीक है तो इसलिए क्योंकि स्विचिंग है होती है यहाँ पे डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक्स में इसलिए हम लोग इस स्विचिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे की वर्ड या किंग वर्ड का यूज करते हैं. ठीक है अच्छा एक बात और जो हमारा एम्पलीट्यूड शिफ्ट किंग है एम्पलीट्यूड शिफ्ट किंग है इसको हम लोग एक और नाम से भी जानते हैं जिसको कहा जाता है OOK दैट इज ऑन ऑफ किंग. ठीक तो ये लेक्चर मुझे सेपरेट बनाने का मतलब ये था कि मुझे इस लेक्चर में आप लोगों को कुछ बेसिक पॉइंट बताने हैं कि हमारे एम्पलीट्यूड शिफ्ट किंग में होता क्या है. ठीक जैसे एम्पलीट्यूड शिफ्ट किंग is a form of modulation that represent digital data as variation in the amplitude of carrier wave. ठीक है इसमें क्या होगा कि जो डिजिटल मॉड्यूलेशन जो भी हमारा ASK सिग्नल होगा ASK मॉड्यूलेटेड सिग्नल होगा उसमें हमारे हमें क्या होगा कि जो भी हमें आउटपुट मिलेगा उसमें जो भी कैरियर का एम्पलीट्यूड होगा वो अकॉर्डिंग चेंज होगा. किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड के अकॉर्डिंग चेंज होगा. ठीक है वैसे हमारे सेकंड पॉइंट यहाँ पे क्या मेंशन किया गया द एम्पलीट्यूड ऑफ एनालॉगस कैरियर सिग्नल वेरीज इन अकॉर्डेंस विद द बिट स्ट्रीम कीपिंग फ्रीक्वेंसी फेस कांस्टेंट. ये तो हमारे मॉड्यूलेशन की प्रॉपर्टी होती है कि जब हमारे कैरियर सिग्नल का कोई भी पैरामीटर जब हमारे कैरियर सिग्नल चेंज होता है या जब हमारे कैरियर सिग्नल का कोई पैरामीटर चेंज होता है तो उस समय जो हमारे अदर पैरामीटर्स होते हैं वो कॉन्स्टेंट होते हैं. तो अगर एम्पलीट्यूड चेंज होगा तो फ्रीक्वेंसी फेज कांस्टेंट होगा. अगर मैं एफएसके की बात करूंगा तो वहां पे फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तो एम्पलीट्यूड और फेज कांस्टेंट होगा. और अगर मैं तीसरा फेज शिफ्ट किंग की बात करूंगा जहां पे फेज चेंज होगा तो उस समय एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट हो जाएंगे. तो हमेशा ये चीज ध्यान रखिएगा एक पैरामीटर चेंज होता है लेकिन बाकी जो बचे हुए पैरामीटर्स होते हैं वो सब हमारे सेम होते हैं. ठीक है अच्छा तो जो हमारा बाइनरी लॉजिक जो हमारे जब हम लोग बाइनरी एम्पलीट्यूड शिफ्ट किंग की बात करते हैं है ना तो उस समय जो भी हमारा पल्स है वो दो एम्पलीट्यूड में ही स्विच करता है. बात यहाँ तक समझ में. इसके अलावा भी कुछ कुछ हम डिफरेंट लेवल्स देखेंगे जब हम लोग आगे डिजिटल मॉड्यूलेशन स्कीम्स को स्टडी करेंगे. ठीक यहाँ तक समझ में आया. वैसे जो मैंने सिंपल हमारी जो भी डिजिटल मॉड्यूलेशन की जो भी हमारी डेफिनेशन कहती है उसको मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि कैरियर के पैरामीटर चेंज होते हैं. तीन पैरामीटर होते हैं एक होता है एम्पलीट्यूड एक होता है फ्रीक्वेंसी एक होता है फेज. ये तीनों में चेंजेस होते हैं इसी बात को मैंने यहाँ पे मेंशन किया. ठीक अच्छा यहाँ पे आप लोग देखिएगा यहाँ पे बेटा जो सबसे ऊपर जो वेवफॉर्म ड्रॉ की गई है ये हमारी मैसेज सिग्नल है ये हमारी एक लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल है. क्लियर बात. जब हम लोग कोई भी कंप्यूटर के थ्रू कोई डेटा ट्रांसमिट करते हैं तो कंप्यूटर हमारे डेटा को रिसीव भी बाइनरी फॉर्म में करता है और डिलीवर भी बाइनरी फॉर्म में करता है. तो आप ये मान सकते हैं कि जो सबसे ऊपर वाला टॉप में जो मेंशन किया गया है वो हमारे कंप्यूटर का आउटपुट है. ठीक है इसको मैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफर करना चाहता हूँ लेकिन क्योंकि पाथ ट्रांसमिट जो हमारे चैनल के डिस्टेंस ज़्यादा है तो हो सकता है हमारा नॉइज जो हमारा सिग्नल है वो करप्ट हो जाए है ना. तो जैसे आप लोग टेलीफोनिक केबल भी मान सकते हैं बेटा जो हमारे लैंडलाइन फोन्स होते हैं ना जिसमें हम लोग एक टेलीफोन से लेकर दूसरे टेलीफोन को कनेक्ट करने के लिए हम लोग फिजिकल वायर यूज़ करते हैं वहाँ पे जो वायर्स के थ्रू जो सिग्नल ट्रांसमिट होते हैं वो भी हमारे बाइनरी सिग्नल्स ही होते हैं. तो बाइनरी सिग्नल्स को हम लोग एज इट इज़ तो ट्रांसफर कर नहीं सकते तो हमें क्या करना होगा सबसे पहले हमें उनके साथ कैरियर को मर्ज करना पड़ेगा और इस मर्जर के प्रोसेस को मॉड्यूलेशन कहते हैं जिसमें हमारे कैरियर की प्रॉपर्टी चेंज होती है अकॉर्डिंग टू मॉड्यूलेटिंग सिग्नल. तो यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे जो हमारे एम्पलीट्यूड वन है तो यहाँ पे हमारे इसको सिग्नल का भी एम्पलीट्यूड पूरा वन है. यहाँ पे एम्पलीट्यूड जीरो है तो हमारा जो कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड है टोटल जीरो है. अच्छा एक चीज ध्यान देखिएगा यहाँ पे जो हमारे जब हमारे कैरियर का एम्पलीट्यूड टोटल जब हमारे कैरियर का एम्पलीट्यूड इस बाइनरी एम्पलीट्यूड के जीरो होने के कारण टोटल जीरो हो जाता है तो इस टाइप के ASK सिग्नल को हम लोग OOK ऑन ऑफ किंग भी कहते हैं. ध्यान रखिएगा आई रिपीट जब हमारा मैसेज सिग्नल
के जीरो होने पर हमारे कैरियर का एम्पलीट्यूड एग्जैक्ट जीरो हो जाता है। इस टाइप के मॉड्यूलेटेड सिग्नल को हम लोग ओ ओ के, इस टाइप के एम्पलीट्यूड शिफ्ट किंग सिग्नल को हम लोग ओ एक ओ ओ के सिग्नल भी कहते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया, इस चीज़ को मैं यहाँ पे इसकी जो भी थ्योरी है वो आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा। इसकी मुझे वेव फॉर्म्स आपको रिप्रेजेंट करना है ताकि आप दोनों में डिफरेंस समझ पाए, ठीक। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ये हमारा बाइनरी सिग्नल है, उसके साथ हमने कैरियर को जब मर्ज किया तो हमें इस टाइप का सिग्नल मिला, ए एस के सिग्नल। देखिए यहाँ पे एम्पलीट्यूड जीरो, तो हमारा कैरियर का एम्पलीट्यूड भी जीरो हो गया। यहाँ पे हमारा मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड वन है, तो कैरियर का एम्पलीट्यूड भी इंक्रीज हो गया, ठीक है। यहाँ पे हम, लेकिन अगर मैं नीचे देखूँ तो यहाँ पे ये जो कम एम्पलीट्यूड है इसको एग्जैक्ट जीरो से रिप्रेजेंट किया गया है। तो अगर ऐसी कंडीशन आती है तो यहाँ पे ए एस के अलग है और ओ ओ के अलग है, ठीक है। लेकिन जनरल लैंग्वेज में हम लोग ए एस के और ओ ओ के को दोनों को एक ही सिग्नल कहते हैं, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। जनरली जो ए एस के सिग्नल होता है और ओ ओ के सिग्नल होता है, दोनों को हम लोग एक ही तरह कंसिडर करते हैं। लेकिन अगर दोनों की वेवफॉर्म आपको अलग अलग दिख रही है तो आप दोनों को अलग अलग मेंशन करेंगे। यहाँ पे जीरो ना हो के, ए एस के में एम्पलीट्यूड जीरो ना हो के, कुछ एक फाइनाइट एम्पलीट्यूड होता है जो कि बहुत ही मिनिमम होता है, ठीक है। और वैसे ही हमारा ओ के में, जो हमारा जीरो में, जब हमारा जीरो सिग्नल ट्रांसमिट होता है, और तो इस केस में हमारा एम्पलीट्यूड, जो भी हमारा ए एस के का एम्पलीट्यूड अगर एग्जैक्टली जीरो हो जाए, तो इसको हम लोग, इस टाइप के ए एस के वेवफॉर्म को हम लोग ओ के वेवफॉर्म भी कहते हैं, ध्यान रहेगा इस चीज़ को। सिर्फ ये मुझे आप लोगों को दोनों में, दोनों के बीच में एक डिस्टर्ब डिफरेंस बताना था, इसके लिए मैंने ये वाले लेक्चर को अलग से प्रिपेयर किया था, ठीक। थैंक यू सो मच। इसके बाद वाले लेक्चर में हम लोग जनरेशन, डीमॉड्यूलेशन और भी जो फर्दर टॉपिक होंगे वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू।